आखिर लाइफ में ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बना जाए? मैं समझ गया कि आप सब कुछ करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप बेहतरीन हेल्थ भी गेन करें, आप बेहतरीन वेल्थ भी गेन करें और एक बेहतरीन रिलेशनशिप भी जिए। इसके लिए आपको लाइफ के हर एक हिस्से में ज्यादा प्रोडक्टिव बनना होगा। तो आखिर क्या किया जाए? और इसलिए आज मैं आपको देने वाला हूं वो 5 बेहतरीन टिप्स जिनकी हेल्प से आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव बनेगी और आप लाइफ के हर एक पहलू को एंजॉय करेंगे। आई एम अंकित राय, वेलकम टू चैनल माय नेम यू एंड लेट्स स्टार्ट। आपने मेरी सारी जो भी प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखी होंगी उसमें सबसे पहले टिप यही देखी होगी, स्केड्यूलिंग। आपको बेसिकली दिन की शुरुआत में या फिर सोने से ठीक पहले अगले दिन के लिए प्लान कर लेना है कि क्या करना है। कहने से मेरा मतलब है कि मुझे पता है मुझे सुबह 6 बजे उठ के जिम जाना है, मुझे पता है सुबह 9 बजे काम को निकल लेना है, मुझे पता है शाम के 6 बजे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है। और ये सब चीजें आपको स्केड्यूल कर लेनी होंगी ताकि आपको दिन भर कोई टेंशन न रहे। आपने पहले बात कर ली 6 बजे मेरे को वहां पर मिल जाना, यू एंड आई हैविंग एन अमेजिंग डेट, सर मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, 6 बजे जिम में, सब तोड़ देंगे। तो जो दूसरी टिप आपको ज्यादा लाइफ में प्रोडक्टिव बनने के लिए करनी है वो है मैनेज योर एनर्जी एंड टास्क। आपको अपनी एनर्जी मैनेज करनी है। आपको देखना होगा कि कौन सा टास्क ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कौन से काम में ज़्यादा एनर्जी चाहिए और उसी हिसाब से अपनी एनर्जी को आपने मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह जिम जाना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि दिन में ऐसा काम हो जो बहुत ही ज़्यादा, वेल बेसिकली आप जो है वर्क करते हैं एक कंप्यूटर के सामने बैठ के ऑल दिस एंड दिस, आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जितना हो सके अपनी एनर्जी को बचाइए और फिर शाम को जब आप डेट पे जाओगे तो आपको बेहतरीन इंप्रेशन देना है और उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो दिन भर सारी एनर्जी बचा के शाम को वहाँ पर पूरी एनर्जी लगा दीजिए। तो ये आपको एनर्जी मैनेजमेंट करना है जिससे आपकी वेल बेसिकली जो प्रोडक्टिव लाइफ है पूरी की पूरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। इसके बाद जो तीसरा टास्क है, जो तीसरी हैक है, इसे कहते हैं फोकस ऑन वन टास्क। यानी कि मैं सुबह जिम में गया तो ना काम की टेंशन ना शाम को गर्लफ्रेंड की टेंशन, सिर्फ एक्सरसाइज होगी। दोपहर में काम कर रहा हूँ तो आलतू फालतू डिस्टर्बेंस कुछ नहीं चाहिए, फेसबुक इंस्टाग्राम बाद में चला लूँगा, फोकस ऑन वर्क, अपने काम पर फोकस करिए। और शाम को जब आप डेट पर हो तो फ़ोन की ओर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की कॉल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम दे दो यार उसे थोड़ा सा। इसके बाद जो चौथी चीज आपको ज्यादा लाइफ में प्रोडक्टिव बनने के लिए करनी है, ये है आपको जानना कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास एक बेहतरीन एक इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है YouTube वीडियोस बनाना, तो मैं अपने सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा जो दिन भर की प्रोडक्टिविटी है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम इस्तेमाल करूँगा YouTube वीडियो बनाने में। तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसे आपने निकालना है और उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी है। इससे होगा क्या कि आपकी लाइफ में जो भी गोल है आप उसकी ओर बहुत ही ज़्यादा जल्दी से पहुँचोगे और जितनी जल्दी से आप उस अपने गोल की ओर पहुँचोगे आप उतने ही ज़्यादा प्रोडक्टिव कहलाओगे। और पाँचवा और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा है, इसे कहते हैं ट्रेस एंड रीस्केड्यूल। ट्रेस कहने से मतलब है कि आपको पूरा वे ट्रेस करना है। मान लीजिए कि आपने हर चीज़ की, आपने टास्क बनाया, स्केड्यूल किया, आपने 1 महीना हो गया तो अब आपने ट्रेस करना है कि महीने भर आपने कोई एक्टिविटी की नहीं की, कौन सी एक्टिविटी कम की, कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा की, किस एक्टिविटी ने आपको ज़्यादा रिजल्ट दिया, किस एक्टिविटी ने कम रिजल्ट दिया। और इसी हिसाब से आपको अगले महीने के लिए अपने टास्क इसको स्केड्यूल करना है, उन्हें बनाना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट गेन करें और कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करें। और इसकी हेल्प से आप इन 5 टिप्स को सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप जहाँ भी आप चाहें, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रॉक करेंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये प्रोडक्टिविटी टिप्स अच्छे लगे और आपको लगा कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाली है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब बटन दबाया हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट में मुझे बताइए, रंदी यार कमेंट आखिर हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।